गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आयरन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन मिस लोहा जो हमें पिग फॉर्म में मिला था, कच्चे माल के रूप में मिला था, उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। नंबर एक ढलुआ लोहा, जिसे कास्ट आयरन बोलते हैं। नंबर दो पिटवा लोहा, जिसे रोड आयरन बोलते हैं। और नंबर तीन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस्पात मिस स्टील। तो ये तीन प्रकार के लोहे हैं, अब हम वन बाय वन इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ढलुआ लोहे। ढलुआ लोहा क्या है, मिस कास्ट आयरन क्या चीज है, जो ब्लास्ट फर्नेस से मिस मेटलर्जी में जो हमें लास्ट में आयरन मिला था वो 93% शुद्ध था, और 7% में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आदि की अशुद्धियां थी। तो इस प्रकार के लोहों को कहते हैं ढलुआ लोहा। तो ये ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है, ये बहुत मजबूत लोहा होता है, और इसी के द्वारा पिटवा लोहा और इस्पात का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग बड़ी बड़ी मशीनों के फाउंडेशंस, मीन्स जो बेसमेंट्स होते हैं उनके बनाने में, इंजन ट्रैक्टर वगैरह की जो बॉडी है उसे बनाने में, मीन्स मशीनों के पुर्जे बनाने में, तथा स्टॉप फ्रेम आदि के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सरलता से पिघल जाता है और अशुद्धियों के कारण ये भंगुर होता है। अब उसके बाद बात करते हैं पिटवा लोहे की। नंबर टू हुआ हमारा पिटवा लोहा, जिसे रोट आयरन बोलते हैं। पिटवा लोहा क्या है? पिटवा लोहा लगभग 99.9% शुद्ध होता है। सबसे ज्यादा शुद्धता तीनों में से इसी में से होती है, और जो शेष मात्रा रह जाती है उसमें कार्बन की मात्रा होती है। और इसे परावर्तनी भट्टी में, परावर्तनी की भट्टी के बारे में आपको बता रखा है, इस आकार की एक भट्टी होती है, यहाँ पर चिमनी होती है, यहाँ पर हॉपर लगा रहता है, यहाँ पर टविया लगे रहते हैं, यहाँ हार्थ होता है, यहाँ फायर बॉक्स होता है जहाँ ईंधन को जलाया जाता है, ये इसका हार्थ पार्ट है, ऊपर से चार्ज को डाला जाता है। तो जो हमारे पास ढलुआ लोहा मिस कच्चा लोहा था, पिग आयरन था, उसे हम परावर्तनी भट्टी में डालकर गर्म करके उसमें जो उपस्थित अशुद्धियां हैं उन्हें पृथक कर लेते हैं, तथा इस भट्टी की परावर्तनी भट्टी के द्वारा लगभग 99.9% शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है, और उस लोहे को पिटवा लोहा कहते हैं, और इसमें अन्य मात्रा कार्बन की रह जाती है। इसमें होने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? आपके पास था Fe2O3, और आपको ये बताया था कि O को हटाने का रास्ता सिंपल है, कार्बन के साथ उसे हीट कर दो। कार्बन के साथ जब आप हीट करेंगे तो 2Fe+3CO, ये इस प्रकार से कार्बन के साथ रिएक्ट कर देगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम सिलिका है, Fe2O3+SiSilica की अगर अशुद्धि होगी तो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसके तीन ले लेंगे, और इससे बन जाएगा 4Fe+3SiO2, सिलिका ऑक्साइड बन जाएगा।
इस प्रकार से जो पिटवा लोहा है उसका उपयोग लोहे की चादरें बनाने में, तार बनाने में, जंजीर बनाने में और घोड़े के जो नाल वगैरह होती हैं छड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी चीजें बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि जिसमें प्रतिशत मात्रा ज्यादा होगी वो सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्टनेस होने की वजह से जैसे जंजीर वगैरह बनानी है या चादरें बनानी है तो इजी गोइंग वो बन जाती है। अब बात करते हैं लास्ट थर्ड पॉइंट है इस्पात मीन्स स्टील। स्टील क्या है? स्टील लगभग 99.97% शुद्ध आयरन होता है तथा शेष मात्रा इसमें कार्बन की होती है। इसका मतलब इस्पात में जो कार्बन की मात्रा है वो पिटवा लोहे से कम है और ढलवा लोहे से ज्यादा ज्यादा मतलब ढलवा लोहे से कम है और पिटवा लोहे से ज्यादा है, क्योंकि पिटवा लोहे में जो 99. जो था 9% था और ये 99.97% है, तो इसमें प्रतिशत मात्रा कार्बन की थोड़ी सी ज्यादा है। इसे फौलाद भी कहते हैं, स्टील को फौलाद भी कहते हैं और इसका उपयोग आप जानते हैं बर्तन बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। बर्तन बनाने में, ग्रिल बनाने में बहुत सारे यूटिलाइजेशंस हैं स्टील के, यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ आयरन। जो आयरन है उसका हीट ट्रीटमेंट क्या है? हीट ट्रीटमेंट का मतलब गर्म करने से उसे क्या होगा? हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। जो स्टील है, जो इस्पात है, उसका ऊष्मा उपचार क्या है? इस्पात का ऊष्मा उपचार, तीन इसके उपचार हैं। नंबर एक, अनिलिंग ऑफ स्टील मींस इस्पात का तापानुशोधन। तापानुशीतन क्या है? जो स्टील है उसे बिल्कुल रेड हॉट कर दीजिए। रेड हॉट करने के बाद उसे धीरे 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 ठंडा करने की जो क्रिया विधि है उसे अनीलिंग ऑफ स्टील मीन्स इस्पात को रक्त तत्व करके धीरे धीरे ठंडा करने की क्रियाविधि को इस्पात का तापानुशीतन शीतन कहते हैं। मीन्स एनिलिंग ऑफ स्टील कहते हैं। ऐसे होता है एनिलिंग ऑफ ग्लास। जो कांच के जो बर्तन बनाए जाते हैं तो कांच को मेल्ट कर लिया जाता है और उसे एक विशेष आकृति के पात्रों में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो जितनी भी बेटर क्वालिटी के ग्लासेस होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें ड्रॉप नहीं नजर आएगी, और जो खराब क्वालिटी के होंगे उनमें ड्रॉप्स नजर आती है। उसका कारण है कि जितने अच्छे बर्तनों में मिस जितना धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा उतनी ही शार्पनेस आएगी, क्लियरनेस आएगी और उतनी अच्छी क्वालिटी का वो ग्लास होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे विशेष आकृति के पात्रों में इसे ठंडा कर लिया जाता है। जो बारीक बारीक डिजाइन्स हैं वो बनाने में इस एनिलिंग जो रिएक्शंस है, जो क्रियाविधि है, प्रोसेस है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद है हार्डनिंग ऑफ स्टील, सेकेंड है विधि एनिलिंग ऑफ स्टील है इस्पात का कठोरीकरण या बुझाना भी बोल देते हैं इसे, मीन्स हार्डनिंग
हार्डनिंग ऑफ स्टील। हार्डनिंग ऑफ स्टील क्या है? हार्डनिंग ऑफ स्टील इसमें क्या कहेंगे, इसे रक्त तप्त कर देंगे, रक्त तप्त इस्पात को जल या तेल में शीघ्रता से ठंडा करने की क्रिया विधि को इस्पात का कठोरीकरण कहते हैं। जैसे आप जानते हैं जो ये लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे लोहे को रेड हॉट कर लेंगे और जो भी चीज़ हमें उनसे बनवानी है, फॉर एग्जाम्पल दराती, खुरपा, एक्सेट्रा, कुछ भी हम बनवाएंगे या फावड़ा, तो पीट पीट के उसकी शेप ले आएंगे। शेप को लाने के बाद उसे एकदम से वो पानी में डाल देते हैं, जल में डालने से या तेल में डालने से एकदम से रेड हॉट से एकदम कूल हो जाएगा, मीन्स ठंडा हो जाएगा, बट उसके अंदर एकदम हार्डनेस आ जाएगी। अगर हम उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुछ दरातियां होती हैं या खुरपा होता है, वो मुड़ जाता है, इसका मतलब वो धीरे धीरे ठंडा किया है। और अगर एकदम से डालकर ठंडा करेंगे तो एकदम हार्ड बन जाएगा, मीन्स उसके अंदर हार्डनिंग आ जाती है, ठीक, इस कारण ये अत्यधिक कठोर होता है। अब है उसके बाद है टेम्परिंग ऑफ स्टील। इस्पात का पायसीकरण, टेम्परिंग ऑफ स्टील। टेम्परिंग ऑफ स्टील क्या है? इस्पात को कठोर और भंगुर बना दो, मीन्स इस्पात को गर्म करो, गर्म करके एकदम से उसे जल या तेल में डाल दो तो वो एकदम से कठोर हो जाएगा, हार्डनिंग सिचुएशन उसमें आ जाएगी। उसे दोबारा से गर्म करो और उसे फिर धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर तक ठंडा करने की जो क्रिया विधि है उसे इस्पात का पायसीकरण कहते हैं, मीन्स इस्पात को, मीन्स स्टील को कठोर व भंगुर बनाकर उन्हें गर्म करके भिन्न भिन्न तापों पर ठंडा करने की क्रिया विधि को इस्पात का पायसीकरण कहते हैं। तो ये चीजें आपको बताई। अब हम आगे नेक्स्ट मेटलर्जी डिस्कस करेंगे। आज के दिन में काफी, धन्यवाद।